हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग जी सेवन कंट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जी सेवन कंट्रीज यानी कि ग्रुप सेवन कंट्रीज़, तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन द 1975। दोस्तों, तो ये जो इसको फॉर्म करा गया था वो 1975 में फॉर्म करा गया था दोस्तों। उसके बाद यह दोस्तों द ब्लॉक मीट्स द annually to discuss issues of the common interest like the global economic governance, international security and energy policy। तो बेसिकली इसमें जो बात करा जाता है दोस्तों, इसमें किस चीज़ के बारे में बात करा जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जी सेवन कंट्रीज में जब सबमिशन होता है तब डिस्कस करा जाता है दोस्तों। उसके बाद इसमें दिया है दोस्तों कि जी सेवन कंट्रीज आर दी, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सा कंट्री है जो जी सेवन का मेंबर नहीं है, तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो कौन कौन सा कंट्री है जी सेवन का मेंबर है दोस्तों, तो वो हम लोग याद करेंगे, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस हो गया दोस्तों। फिर से एक बार याद करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट, ये जी सेवन का मेंबर हो गया दोस्तों। ऑल द जी सेवन कंट्रीज एंड इंडिया आर ये पार्ट ऑफ G20, मतलब सभी कंट्री जो जी सेवन के दोस्तों वो G20 के भी पार्ट हैं और इंडिया भी G20 का पार्ट है दोस्तों। उसके बाद दिया दोस्तों द जी सेवन डज नॉट हैव ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और ए फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स, मतलब जी सेवन कंट्री जो है दोस्तों, इसका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है दोस्तों। द डिसीजन टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग द एनुअल समिट्स आर द नॉन बाइंडिंग, तो इसका जो डिसीजन होता है दोस्तों तो उसी टाइम होता है जब इसका एनुअल यानी साल में एक बार सबमिट होता है दोस्तों, तो कोई डिसीजन लेना होता है तो उसी समय टाइम में लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद दिया दोस्तों द 47th G7 समिट वॉज हेल्ड फ्रॉम द 11 to 13 June 2021 इन कॉर्नवेल, इंग्लैंड, यानी कि जो ये 2021 में जो इसका सबमिट हुआ था दोस्तों, ये 47th G7 समिट हुआ था और ये कब हुआ था दोस्तों, तो 11 to 13 June को हुआ था दोस्तों, 11 to 13 June, अरे कहाँ हुआ था दोस्तों, तो कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। दिस ईयर समिट वाज होस्टेड बाय द यूके, यानी कि दिस ईयर यानी मतलब इस साल जो हुआ था दोस्तों, इसको यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने इसको होस्ट किया था दोस्तों। उसके बाद द लास्ट जी सेवन समिट वाज इन फ्रांस इन 2019, यानी कि 2019 में जो हुआ था ये दोस्तों, और कहाँ किसने सबमिट करा था इसको, तो फ्रांस ने, और 2019 में हुआ था और ये लास्ट हुआ था, यानी कि 19 के बाद सीधा 21 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद दिया है विथ लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर यानी कि 2020 में, विथ लास्ट ईयर इवेंट्स इन द US कैंसिल्ड ड्यू टू द पैंडमिक, यानी कि जो 2020 में होने वाला था दोस्तों वो US में होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया ड्यू टू पैंडमिक यानी कोविड के चलते दोस्तों। उसके बाद दिया दोस्तों अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया वेयर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द समिट एज ए गेस्ट कंट्रीज। उसके बाद दिया है दोस्तों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ कोरिया है इसको इन्वाइट करा गया था पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए गेस्ट कंट्री दोस्तों। उसके बाद इसके कुछ की फीचर हो गए दोस्तों, तो ये आप लोग ईजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये इंडिया का क्या स्टैंड था दोस्तों इसमें, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों, जैसे ये जो 2021 में हुआ था तो इसको चेयर्ड किसने किया था, इसको चेयर्ड करा गया था दोस्तों बोरिस जॉनसन द्वारा, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं।